everyone. The most learned and most highly qualified teacher and our professional colleague. He just finished his PhD from Nasik, Maharashtra University. He's going to share his experience about his father. And his father, I said, is very hard-working man in homeopathy for the development of homeopathy. Very hard work. In his last breath, organizing seminar, discussion, attending seminars, development of Homai, development of Asian Homeopathic Medical League, International Homeopathic Medical League. Apart from that, he is very sound practitioner and is very good associate to me. He is taking care of me whenever I was in Delhi, just like a brother. Whenever I stay in the hotel, when he informed, he rushed to me and bring me his home. On his memory, his effort, his contribution to the homeopathy, I choose this session as one of the session of Dr. Emil Agarwal. And I am going to make tribute from our side, our Academy of Quest side, with the members, as well as we like to learn something from Dr. Agarwal regarding his prescription. And I think he has got some few books also, so he can introduce also regarding the books. May I ask Dr. Pankaj Agarwal with a very big clap. All my decorations given to me, awarded to me, like my MD, Dr. L.M. Khan was my guide. Under his guideship only I did my MD from Jaipur. Even in this PhD, my external examiner of the MUHS University was Dr. L.M. Khan. So whatever the decorations, whatever the knowledge, whatever it is, all depends on two pillars in my life, my father and my father-like figure, Dr. L.M. Khan. Thank you so much. So, it is taking some time. So what I do is, I just tell something, you know, I'm seeing homeopathy right by my childhood. मैं तो homeopathy के बारे में जब नहीं भी जानता था, तब भी वहाँ पर बैठ के homeopathy का काम करा करते थे अपने father के साथ. तो थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन जाते हैं. तो डाउन द मेमोरी लेन में क्या होता था कि हमारा फादर का एस्टेब्लिश किया हुआ क्लिनिक बड़ा टिपिकल आप कह सकते हैं कि एक पूरा एकदम बंगाल से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड क्लिनिक है. वही पुड़िया बना के दवा देने का सिस्टम था. कुछ भी शीशी वीशी में दवा नहीं जाता था. तो जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो पुड़िया का बहुत जरूरत पड़ता था. तो हमारे फादर सब बच्चों को हमको बोलते थे 100 पुड़िया बनाने का 1 रुपया मिलेगा. तो हम हजार हजार पुड़िया बनाते थे जब 50 होती थी. तो ऐसे करके हम लोगों को ये इंटरेस्ट था. पुड़िया पुड़िया बनाना सीखना पड़ता है, लेकिन हम लोग को सीखने के लिए नहीं जाना पड़ा. अगर बिल्कुल एकदम उनके क्लिनिकल केसेस के अंदर जाते हैं तो एक केस मेरे को याद पड़ता है. रात का शायद 3 बजा होगा. तो एक कोई पेशेंट आते थे पाठक जी. वो आते भी थे और बाटा में काम किया करते थे. और वो बाटा में दो ही काम करते थे. एक तो डॉक्टर एम एल अग्रवाल के लिए पेशेंट्स को भेजते थे वहीं जाओ इलाज कराने के लिए, और वो बाटा वालों का जूता बेचते थे. दो काम करते. तो वो खुद आए. तो जैसे ही मैंने जाके गेट खोला, मैंने कहा पाठक अंकल क्या हुआ, आप कैसे एकदम आए? तो वो हाथ मिलाया करते थे. तो जैसे ही मैंने ऐसे हाथ मेरा एकदम रिफ्लेक्स में चला गया तो उनका हाथ उठा नहीं. कहते हैं मेरे को
अरे यही तो प्रॉब्लम हो गई, इसी के लिए तो डॉक्टर साहब को 3 बजे परेशान करने आया हूं। मतलब उनका राइट हैंड का पैरालिसिस हो गया। तो अच्छा ठीक है, बैठिए अंकल, मैं दिखाता हूँ फादर को। तब तक मैंने फादर को जाके इन्फॉर्म किया, उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया। तो फादर आए, उन्होंने देखा, देखा देख के मेरे को कहते हैं, अच्छा चलो ये वाला दवा बना के लाओ। खिला दिया उनको। आधे घंटे के बाद कहते हैं, जाओ भाई चाय बना लो। मैं चले गया, तो चाय बना के मैं नीचे लेके आया हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों लोग को सिगरेट पीने का आदत था। तो दोनों लोग सिगरेट पी रहे हो, अपने राइट हैंड से सिगरेट पी रहे। ये क्या हो गया? तो मैंने कहा साहब क्या दिया? कहते क्या सिंगल पार्ट का पैरालिसिस है, क्या दवा दोगे राइट साइड के अंदर? कहते कॉस्टिकम 200 का एक डोज खिलाया है ना, देखो अब अपने सीधे हाथ से चाय पी के आराम से जाएंगे। वो अपना आराम से 2-3 घंटे बैठे, गपशप किए। कॉस्टिकम ने मसला ही भुला दिया, किस बात के लिए वो आए थे, वो दोस्तों की तरह बैठ के गपशप कर रहे। इसी तरह से एक और केस मेरे को याद पड़ता है कि मेरी सबसे छोटी सिस्टर, हमारे साथ क्या होता था कि हमारे फादर हमेशा कहीं ना कहीं, जब 2 महीने की छुट्टी होती थी स्कूल्स की, तो सबको लेके कहीं ना कहीं घुमाने जरूर लेके जाते थे, कहीं साउथ इंडिया की तरफ कहीं। तो एक बार वो हमको तब उस समय लेके गए रामेश्वर। तो रामेश्वरम में क्या होता है कि वहां पर ना 21 कुओं के पानी से स्नान करना पड़ता है। उसकी अपनी एक जो भी एक वैल्यू रिलीजियस उसका फेथ है जो भी है। तो वो सब लोग, हम लोग सब उसी लाइन में चलते जा रहे थे, और वो एक एक बाल्टी भर के तो पानी डालते जा रहे थे। वापस आने के बाद में मेरी सबसे छोटी सिस्टर जो है उसको बड़ा सीवियर फीवियर और फीवर और ये और वो सब, अल्टीमेटली वो बड़ा सीवियर उसको निमोनिया हो गया। और दवा खिला रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा, डॉक्टर को भी दिखा लो, एंटीबायोटिक भी दे लो, नो इम्प्रूवमेंट। तो एक बार उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो क्या कर रही है, अपने जबान पे से ना ऐसे कुछ हटा रही। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? अब वो बच्चे को थोड़ी समझ में आता है कि क्या हुआ। तो उसने कहा कि कुछ है मेरे जबान पे। तो उन्होंने उसको सिलिशिया 200 का एक डोज पिलाया, एंड जस्ट 3 डेज शी बिकेम ऑलराइट। तो मतलब सेंसेशन ऑफ द हेयर ऑन द टंग, और उस बेसिस के ऊपर, जबकि इतना परेशानी चल रहा था, आराम नहीं हो रहा था, वो दिया गया और बड़ा अच्छा उसके अंदर रिजल्ट हुआ। तो थोड़ा सा अगर हम उनके बारे में इंट्रो जाने, तो 3 साल की उम्र में उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो हम सब समझ सकते हैं कि कैसा हार्ड लाइफ देखा होगा, और ब्रिटिश इंडिया के जमाने की पैदाइश थी, बट बड़े ही फियरलेस, बड़े ही सेल्फ लर्न्ड, मल्टी टैलेंटेड, आर्डुअस पर्सन थे वो। मैंने देखा है उनको कि वो घर में बिजली के फिटिंग भी कर देते थे, और बहुत अच्छे से बाथरूम का दरवाजा भी बना देते थे, और बहुत अच्छा खाना भी खिला देते थे बना करके। तुमको खाने में क्या पसंद नहीं है, वो मेरे को कहते थे। तो साहब मेरे को ना घिया पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, मैं बना के खिलाता हूँ। एंड इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी टेस्टी। तो ही वाज सच ए मल्टी टैलेंटेड मैन, लाइक हिज फादर, लाइक माय ग्रैंडफादर। तो उन्होंने बड़ी हार्डशिप के साथ अपनी लाइफ देखी। 17 साल की उम्र से ही लिवलीहुड के लिए काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ चलती थी वो सब कुछ उनका चलता रहा, लेकिन वो अपने आप में बड़े ट्रेंड सेटर, बड़े लीडर और बड़े इंस्पिरेशन वाले पर्सन थे। एंड ही इज इंस्पिरेशन टू सो मेनी इंक्लूडिंग मी। जो उनकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि मेरी बेटी, जो भी होम्योपैथी डॉक्टर बनने जा रही है, उसने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी अबाउट हिज ग्रैंड फादर। ही इज एन ऑलराउंडर एंड अमेजिंग, नॉलेज के लिए ऑलवेज प्रेरी, इंस्पिरेशन टू फुल जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। होम्योपैथी वॉज हिज पैशन। ही वॉज गुड एट टीचिंग लेसन, गुड एट ट्रीटिंग इंफेक्शन, बिकॉज ही न्यू व्हाट वॉज परफेक्शन। अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की बात करें, तो देखो उन्होंने बड़े मल्टी मल्टी एरिया के अंदर अपनी अचीवमेंट्स उनकी हुई हैं।
अगर हम एकेडमिक्स पे जाएं तो उन्होंने चार किताबें लिखी, मैथमेटिक्स ऑफ ह्यूमन माइंड इन 1985, किंग टू द रूब्रिक्स ऑफ माइंड 1988। ये दो किताबें जिस एरा में आई, 80s के सेंचुरी में आई, उस जमाने में केंट के माइंड के चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल काम था। और उस टाइम में पहली बार होम्योपैथी के लिटरेचर के अंदर माइंड की मिट्रिया और माइंड के रूब्रिक्स का एक्सप्लेनेशन पहली बार सामने आया था। दैट इज द इंपॉर्टेंस। आज बहुत उसके ऊपर किताबें अवेलेबल है, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, लेकिन ही वॉज द ट्रेंड सेटर। फिर उन्होंने अपनी एक और किताब 90 में निकाली, उनके जितने भी साइंटिफिक पेपर्स थे उनको उन्होंने कंपाइलेशन किया विद द नेम माय साइंटिफिक पेपर्स। और एक रिसेंटली उन्होंने अपनी जब किताब जस्ट बिफोर हिज डिमाइस ही केम अप विद द बुक माय क्लिनिकल केसेस, उन्होंने बड़े सिंपल फॉर्मेट में अपने 106 केसेस इसके अंदर रिकॉर्ड किए हैं। और इन केसेस में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, रीजन दिया है कि मैंने वो दवा क्यों दी। दैट केम इन 2000। अपार्ट फ्रॉम दैट सो मेनी कंट्रीज ही वाज इनवाइटेड फॉर द लेक्चर्स, ही वेंट देयर फॉर द लेक्चर। इफ वी सी हिज क्लिनिकल अचीवमेंट, 10,000 केसेस के करीब उन्होंने देखे जिनको कि उन्होंने रिकॉर्ड रखा। मैंने उनको बैठ के अपने दूसरे स्टूडेंट्स साथ मिलके कंप्यूटर पे कंपाइल किया, क्या दिया, क्यों दिया, कैसे भी सीखने के लिए। और उनके ये जो भी केसेस थे ये करीबन करीबन 11 कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऐसे पेशेंट थे जो कि उनको दिखाते थे। क्लिनिक 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था, अगले साल अप्रैल में ये क्लिनिक 50 साल का हो जाएगा, जिससे हमारा घर और होम्योपैथी का नाम दोनों चलता है। होम्योपैथिक पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आज पॉलिटिक्स का जो वर्ड है ना, वो एक तरह से कहना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी से कॉन्स्पिरेसी की जगह यूज होता है। पॉलिटिक्स इतना गंदा शब्द नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत सुंदर शब्द है। तभी हमारी किताब का एक नाम, डॉक्टर खान की किताब का नाम पॉलिटिक्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग है। वो पॉलिटिक्स का मतलब कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है, जो कि आज समझा जाने लगा। तो उन्होंने हमेशा होम्योपैथी की पॉलिटिक्स में, होम्योपैथी की तरक्की कैसे हो इसके लिए हमेशा काम किया। और उसी में उन्होंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारी का ईस्ट दिल्ली चैप्टर, एशियन होम्योपैथिक मेडिकल लीग, OMHI, और एक अपना उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया प्रोग्रेसिव होम्योपैथिक सोसाइटी, और काफी काम किया उन सबके ऊपर। तो अगर हम देखें आफ्टर 2001 में हमने उनके मेमोरी में एक लेक्चर किया, तो व्हाट वाज द ग्लोरी आफ्टर। तो इस फर्स्ट सेमिनार में जो 2001 में हम लोगों ने किया था, उसमें डॉक्टर शोएब सर आए थे उस सेमिनार के अंदर अपना एक्सपर्ट लेक्चर डिलीवर करने, क्योंकि डॉक्टर एलन खान सर की उस समय तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण से वो नहीं आ सके थे। ये फोटोग्राफ दिखाने का पर्पस ये है कि ये ऐसा डायस देखिए आप कि उस जमाने में हमारे होम्योपैथी के दो लीजेंडरी फिगर डॉक्टर जुगलशोर साहब और डॉक्टर दीवान हरिश्चंद साहब, ऐसा कहा जाता था कि दोनों हमेशा कभी भी एक डायस शेयर नहीं करते। आप देखिए ये फोटोग्राफ में वो दोनों पर्सनालिटीज एक साथ डायस शेयर कर रहे, ऐसा उनका अपना अपना सबके साथ संबंध था, सबके साथ रिश्ता था उस जमाने में। और उस एड्रेस में जुगलकिशोर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि उन्होंने डॉक्टर ML अग्रवाल के बारे में ये कहा कि अगर हम उनको देखें तो मैं उनके बारे में यही कहना चाहूंगा, जुगलकिशोर साहब ने कहा, द इंडियन बोनिनोसन। ही कैप्शन हिम एज द इंडियन बोनिनोसन। उनकी सोशल रिकॉग्निशन, मतलब ऐसा नहीं था कि होम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशन, वो सोसाइटी का भी बहुत काम किया करते थे। और सोशल रिकॉग्निशन कैसा मिला कि 2012 में दिल्ली सरकार की तरफ से ये प्रपोजल हुआ
कि ये रोड का नाम जिस जगह हम रहते हैं, जहां पे हमारा घर है, उस रोड का नाम ही उनके नाम से रख दिया जाए, डॉक्टर एम एल अग्रवाल।